Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. बेड़ो कैसा है? अरे तेताली तेताली बोलो, तेताली तेताली बोलो गणपति बप्पा मोरिया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। कैसे हो भाई लोग? लो आ गया ये सूट बूट। हाय गाइस। अरे यार अपने घर पर सबको बुलाकर खुद ही सबसे लेट एंट्री मार रहा है, लगता है तेरी शो ऑफ करने की आदत गई नहीं है अभी। अरे नहीं रे टोपी, बाल गणेश जी ने जो कुबेर के शो ऑफ की ऐसी की तैसी की थी ना, उसको देखने के बाद से अपुन ने शो ऑफ एकदम छोड़ दिए ला। अरे इसीलिए तो तुम सबको इनवाइट किए ला, वरना तुम जैसे छछंदर लोगों को कौन मुंह लगाता है। अच्छा तो ये बात है, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। लेकिन अपुन तो चूहा है। चलो चूहे लोग चलो, चलो, चलो यहाँ से। चलो हम लोग यहाँ अपनी इज्जत का फालूदा करवाने नहीं आए हैं। अरे यार डू नॉट माइंड, तुम लोग तो बुरा मान गए। I was just joking, यार। Come on। बड़ा ही घटिया किस्म का जोक था वे। बिरादरी के बाहर कभी ऐसा जोक मत सुना ना, नहीं तो सब बोलेंगे चूहों को जोक मारना भी नहीं आता क्या? जोक की जगह शॉक मारते शॉक। चलो ये बता,
लेट क्यों हुआ? अपन तो तुम लोगों को लिफ्ट देने के चक्कर में रिसीव करने गया था, लेकिन तुम चूहे लोग भी ना अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आओगे। पता नहीं किस किस बिल में से निकल आए, मेरे पूरे घर के बाहर छेदी छेद कर डाले। व्हाट इज दिस? एनीवेज छोड़ो यार, ये बताओ यहाँ क्यों बुलाए? तो भीड़ू लोग, अपन ने गणेश जी और अपन के पूर्वज मुशकराज की फिल्म बाल गणेश को कितना एंजॉय किया। अभी बच्चे तो बच्चे, उनके मॉम डैड ने भी फिल्म की सब स्टोरीज को एकदम चिपक कर देगा। अभी उन लोग का जोरदार डिमांड है के गणेश जी की और स्टोरी सुनाओ, नहीं तो किसी भी चूहे को किचन में घुसने नहीं देंगे। तो भाई लोग, क्यों ना अपुन उनकी इस डिमांड को पूरा कर दे। हाँ करते हैं ना। हाँ करते हैं, जिससे वो भी खुश और बच्चे भी खुश, और अगर बच्चे खुश तो अपुन क्या पूरी दुनिया खुश, क्या बोलते हो? हाँ क्यों नहीं, हमें भी बहुत मजा आएगा। तुम्हें याद है ना बाल गणेश में क्या क्या धांसु स्टोरीज थी? आओ सुनाएं तुमको एक कहानी, शिव शंभू की पार्वती महारानी और फिर उनके घर। माता गौरी की आज्ञा का जब नंदी ने किया उल्लंघन, पार्वती ने चमत्कार से श्री गणेश को किया था उत्पन्न। पार्वती सुत आज्ञाकारी डट गया करने पहरेदारी, होशियार खबरदार, होशियार खबरदार। चटाजूट धर आए महेश, रास्ता रोके खड़े गणेश, उन्हें हटाने नंदी आया, पूंछ पकड़कर उसे घुमाया। ब्रह्मा भी कुछ ना कर पाए, पिताश्री तब क्रोध में आए। एक ही वार किया बालक पर, घर से अलग दूर गिरा सर। पार्वती ने किया विलाप, शिव जी को हुआ पश्चाताप। गज का मस्तक गण ले आया, बाल गणेश के धड़ से लगाया। देवलोक में किया ऐलान, पूजन का एक नया विधान। ना ब्रह्मा ना विष्णु महेश, पहले पूजे जाए गणेश। जय हो जय हो जय हो। पार्वती के संग महेश, अंगना खेले बाल गणेश। लंबोदर श्री गणेश कहाए, पेटू राम को मोदक भाए। अरे भाई मन चंगा, तो कठौती में गंगा, परशुराम से हो गया पंगा। क्रोधित मुनि ने शिव पर से वार किया प्रभु पर गुस्से से। एक दांत टूटा प्रहार से, एक दंत कहलाए तभी से। देवलोक पर संकट आया, सुर्प दमन का आतंक छाया। नहीं टिका कोई उसके आगे, इंद्र भी जान बचाकर भागे। जान बची और लाखों पाए, छिपने इंद्र दक्षिण को आए। सुरप दमन बदले का भूखा, पूरे क्षेत्र में पड़ गया सूखा। मुनि अगस्त्य ने करी दुहाई, ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई। जटा से शिव की गंग बहाए, ऋषि वहीं से जल भर लाए। बाल गणेश ने कौवा बनकर चोंच से अपनी मारी टक्कर। जल की कलकल धार बहाई, यही नदी कावेरी कहाई। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति
गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाल गणेश सदा करते थे अपने भाई से प्यार, फिर भी कभी कभी हो जाती इनमें मीठी सी तकरार। नारद मुनि ने दिया सुझाव, विश्व का चक्कर मार के आओ, करके पूरी विश्व परिक्रमा जो भी आए प्रथम, दोनों भ्राताओं में वही माना जाए उत्तम। कार्तिक होकर मोर सवार उड़ गए सात समुंदर पार। श्री गणेश ने चतुराई से मात पिता का मारा चक्कर, हाथ जोड़ बोले हे ऋषिवर लौट आया हूँ विश्व भ्रमण कर। ऋषि चकराए प्रभु मुस्काए, गदगद हो गए दिल भर आया, व्यर्थ भटकने में क्या तुक जब मात पिता में विश्व समाया। जय हो। एक बार की सुनो कहानी, रात चांदनी बड़ी सुहानी, मूषक राज पे हुए सवार, खा कर के स्वादिष्ट आहार, घर को लौट रहे थे प्रभु वर, चला था मूषक फुदक फुदक कर, तभी सर्प ने रास्ता रोका, उसे देख कर मूषक चौंका। प्रभु बर्फ पर लुढ़क गए थे, सारे मोदक बिखर गए थे, देख दुर्दशा हंसा चंद्रमा, प्रभु क्रोध की रही न सीमा। श्राप चंद्रमा को दे डाला, गई चमक हुआ मुंह काला, चारों ओर छा गई स्याही, करने लगा वो त्राही त्राही। देख के उसका पश्चाताप, सुनकर चंद्रदेव का विलाप, श्री गणेश को तरस आ गया, चांद चांदनी फिर से पा गया। किस्सा एक बड़ा मशहूर, धन वैभव के नशे में चूर, होकर शाही रथ पे सवार, आए कुबेर शिवजी के द्वार, करने को दौलत का प्रदर्शन, उमापति को दिया निमंत्रण, समझ के मनसा प्रभु मुस्काए, कहा गणेश को लेकर जाएं। कंचन महल था वैभवशाली, अति स्वाद भोजन की थाली, खाने बैठे जब लंबोदर, सब पकवान गपागप अंदर, सारे घर का भोजन खा गए, पूरे शहर का अन्न पचा गए, फिर भी जब मारी नटकार, और भी खाने को तैयार, मिट गई सारी झूठी शान, संकट में कुबेर के प्राण। दौड़ा दौड़ा शरण में आया, शिव चरणों में शीश नवाया, क्षमा करो प्रभु बख्श दो प्राण, अब न करूंगा झूठी शान। दया निधान ने क्षमा कर दिया, हाथ पे भात का पात धर दिया, कहा के जाकर इसे खिला दो, बाल गणेश की भूख मिटा दो, जान बची और लाखों पाए, लौट के कुबेर घर को आए। जय हो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेकिन भाई लोग एक बात सब लोग याद रखने का, किसी भी चीज की ओवरडोज आजकल के बच्चों को बोर कर देती है, इसीलिए अपुन उनको तीन चार स्टोरीज उन्हीं के स्टाइल में ही सुनाएंगे। अभी सोच क्या रहे हो, एक्शन करो, एक्शन एक्शन नहीं, लेट्स गो। अरे डर गए क्या? अरे अपुन है ना यार, क्या अपुन के होते हुए टेंशन नहीं लेने का क्या? अरे तू है इसलिए तो टेंशन ले रहा हूँ, पता चला सबको फंसा कर खुद ही गाड़ी में भाग गया। अरे मुझे सुनाने के लिए कोई स्टोरी ध्यान में नहीं आ रही थी, लगता है बाल गणेश ने खुद ही बिल्ली भेजी थी मुझे उनसे जुड़ी बिल्ली वाली स्टोरी याद दिलाने के लिए। Ooh, ooh, ooh.
मजा आ गया। जियो नंदी महाराज, बस ऐसे ही झुलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मैं तो यहाँ हूँ। जैसे वो मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है, वैसे ही मैं उसको इस झूले पर झुलाता। क्या बात है। प्रभु, मैं यहाँ नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बालक गणेश। हाँ नंदी। लगता है कहीं से मूषक की आवाज आ रही है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मैं कोई पंछी हूँ जो सब मुझे ऊपर ढूंढ रहे हैं? अरे चूहे महाराज, आपने कहीं हमारे मूषक राज को तो नहीं देखा? कुछ कुछ आप जैसे ही दिखते हैं। अरे ये तो अपना मूषक ही है। नंदी, उसे ऊपर आने दो। हाँ। मूषक ऊपर आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो, आखिर आपने मुझे देख लिया गणेश जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। अरे नंदी जरा धीरे, मूषक जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है। मोटे, कोई बात नहीं, सब लोग खुश हो लो, तुम सबको देख लूंगा मैं। प्रभु। हाँ मूषक। आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने को मिला था। मैं जा रहा हूँ, जब आपको सवारी करने का मन करे तो बुला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज्यादा आएगा। ओहो, बुरा मान गया। किसी को मेरी परवाह नहीं, जब देखो मजाक उड़ाते हैं। अरे मूषक रुको। तुम तो नाराज हो गए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। अब इसे क्या हो गया? मूषक क्या हुआ? वाह, अरे मूषक इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु वहाँ। अरे मूषक क्या हुआ? अभी तो बड़ा मुंह फुला कर गया था, बड़ी जल्दी वापस आ गया, वो भी चिल्लाते हुए। प्रभु, आज कल लगता है दिन ही खराब है। पहले आप सब लेना चाहिए आराम करने उधर गया तो एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु, उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया? चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मूषक को डराने की हिम्मत की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। मूषक बिल्ली से डर गया? मूषक बिल्ली, क्या कर रहे हो मूषक राज? बालक गणेश, आप अपने इस मूषक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए। भोलेनाथ शिव शंकर का समाधि से उठने का वक्त हो गया है, मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नंदी, तुम जाओ। देखते हैं कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मूषक को डराया है। मूषक, कहाँ है वो बिल्ली? सब लोग उस बिल्ली को ढूंढो। कहाँ गई वो बिल्ली? कहाँ
हैं? कहाँ गई? मुझे नहीं, बिल्ली को ढूंढना है। कहाँ गई? वो रही, पकड़ो उसे। आ जाओ सब लोग। तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मूषक को डरा रही थी। रुक, पकड़ी गई। अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने को कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। ओहो, मुझे देखकर भोली बन रही हो। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मेरे प्यारे मूषक को डराया, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। मूषक, जरूर करूंगा।
क्या हुआ, थक गई हो क्या? बस इतना ही खेलोगी? अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से और किसी चूहे को मत डराना। चली गई। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई है। चलो मूषक, चलकर माँ के हाथों से बने मोदक खाते हैं। मोदक मोदक। मजेदार बात मोदक खाते खाते बतानी है। माँ, आपका ये हाल किसने किया है? मुझे उसका नाम बताइए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। तुमने? मैंने? हैं? आपने? हाँ, तुमने। माँ, ये आप क्या कह रही है? हाँ। माँ, मैं तो आपको कभी सपने में भी दुख पहुंचाने की नहीं सोच सकता। बेटा। हाँ माँ। आज जो तुम लोगों ने एक बिल्ली को सताया, वो बिल्ली मैं ही थी। आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और माँ, मैं बिल्ली को सता नहीं रहा था, उसने मूषक को डराया इसलिए उसे सबक सिखा रहा था। जी हाँ। तुम तो चुप ही रहो। चुप चुप। मुझे मालूम है कौन कौन लोग ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन माँ। गणेश, इस धरती पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हैं, वो सभी भगवान के बनाए हुए हैं, और मैं किसी न किसी रूप में हर असहाय जीव में समाई हूँ। अगर तुम किसी भी असहाय जीव को कष्ट पहुँचाते हो तो वो दुख मुझे होता है। आज तुमने एक बेचारी अकेली कमजोर बिल्ली के साथ जो कुछ भी किया, वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज तुमने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया है बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मेरा सबक सिखाने का तरीका गलत था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनजाने में मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। आप सही कहती हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को तंग करना गलत है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी और कमजोर को तंग नहीं करूंगा, बल्कि उसकी मदद करूंगा। हाँ, मैं भी। बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और अब तो मेरा प्यारा बेटा बेसहारा जीवों को सहारा देगा। लेकिन ये सब भूखे पेट कैसे होगा? चलो चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदक बनाए हैं, खाओगे नहीं? मोदक के लिए हमने कभी ना कहा है। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए। माँ, आप कितनी अच्छी हो माँ। गणेश जी ने
ने बिल्ली को इसलिए छेड़ा होगा ताकि वो उसके प्यारे मूषक को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उनकी माँ पार्वती ने कितनी अच्छी बात समझाई कि किसी भी बेचारे को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखें तो हम चूहे भी तो बिल्लियों के आगे बेचारे ही तो होते हैं। बिल्कुल राइट। अरे रे यार, याद ही नहीं रहा, नहीं तो जिस बिल्ली से डरकर हम भागे थे उसे भी ये स्टोरी सुना देते। ए? तो वो सब बाकी बिल्लियों को सुना देती और फिर हम सब साथ साथ खेलते, है ना? अबे टोपी, पहली बात बिल्ली को देखकर तुम लोग भागे थे, अपुन ने छोटा, और दूसरी बिल्ली स्टोरी शुरू होने से पहले आई थी। हाँ, हो सकता है के स्टोरी सुनकर वो तेरी फ्रेंड बन जाए, लेकिन स्टोरी सुनने के पहले ही सबको चट कर जाती तो? चिंता मत करो, उसका इलाज है मेरे पास। अरे अभी जो स्टोरी की डीवीडी बनेगी ना, उसकी बहुत सी कॉपीज तुम बिल्लियों की कॉलोनी में फ्री बांट देना, शायद उसको देखकर सुधर जाए। मैं काय को फ्री बांटू? सब बिल्लियां क्या मेरे को ही खाना चाहती है क्या? तुम्हारे शरीर से क्या उनको बदबू आती है? ये बोल के हम सब बांटेंगे। वैसे बात तो तूने इंटेलिजेंस की है भाई। इंटेलिजेंस से मुझे बाल गणेश की एक स्टोरी याद आई जो मुझे तुम्हारे दादाजी ने सुनाई थी। अपुन के दादाजी ने तेरे को सुनाई थी? तो अपुन को काय को नहीं सुनाई? अरे वो अपने दादाजी से ही पूछ लेना, सुना नहीं? उसने कहा इंटेलिजेंस वाली स्टोरी थी। बिल्कुल। तो वो तुझे कैसे सुनाते? किसी इंटेलिजेंट को ही सुनाते ना। धोती तू अपनी स्टोरी चालू रख यार। गणेश जी बहुत ही इंटेलिजेंट और चतुर थे, ये तो तुम सबको मालूम है। हाँ, लास्ट टाइम बाल गणेश फिल्म में जब उनको विश्व के 3 चक्कर लगाने को कहा था तो उन्होंने अपने मम्मी डैडी के 3 चक्कर लगाकर अपनी इंटेलिजेंस दिखाई थी। अभी उनके इंटेलिजेंस की एक और कहानी सुनो। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ॐ 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 ब्रह्म देवाय। आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। व्यास यहां। भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो मुनिवर। भगवान, अब हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है। चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल है हमारे पास। गणेश। बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश। नंदी जाओ, बालक गणेश को बुला कर लाओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। हे
समझ में नहीं आ रहा। मूषक जी, क्या कर रहे हो? प्रभु, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी पढ़कर ही दम लूंगा। आखिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान भगवान का वाहन जो हूँ, अब तो ये मोदक भी ये शब्द पढ़ने के बाद ही खाऊंगा। तब तो लगता है तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे बुद्धिमान मूषक। हाँ। वो क्यों? ठीक है, अभी पढ़ता हूँ। अरे बुद्धू, तू सीधा अक्षर ढंग से नहीं पढ़ सकता तो उल्टा क्या पड़ेगा? अब पढ़ो। रहने दीजिए प्रभु, पहले मोदक खाता हूँ फिर पढ़ लूंगा, यानी कोशिश करूंगा। क्योंकि सीधा होने के बाद तो ये और भी कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। ये पढ़ो, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम, ये ठीक है। अब तुम ऐसे ही पढ़ते। प्रणाम गणेश। कैसे हो मूषकराज? अच्छा हूँ। अरे नंदी, तुम भी क्या मूषक की तरह कुछ पढ़ने आए हो? नहीं नहीं बालक गणेश, पढ़ने का काम मूषक राज पर ही छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहने आया था कि भोलेनाथ ने आपको अभी बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है, चलो। पढ़ना तो मैंने सीख लिया, चलो अब मोदक खाता हूँ। प्रभु तो जा रहे हैं। रुकिए प्रभु, रुकिए, मैं भी आता हूँ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। मुनीवर, आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनिवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, चले मुनिवर। चलिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु, कहो ना उनसे। मुनिवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनीवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। प्रणाम
प्रभु। ये लीजिए। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। लीजिए मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इसी तरह वर्ल्ड फेमस काव्य ग्रंथ महाभारत गणेश जी ने लिखा। देखा गणेश जी, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ कितने बड़े राइटर भी थे। वाह, क्या जबरदस्त स्टोरी थी, मजा आ गया। ए सुटपुट, अब समझ में आया तेरे दादा ने तुझे क्यों नहीं सुनाई थी? नहीं ना। वैसे चिंता मत कर, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एनीवेज, स्टोरी तो हो गई लिए। अभी जैसा अपुन लोगों ने बच्चों से प्रॉमिस किया था बीच में कुछ धमाल करने का, तो हो जाए, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। क्या बच्चे लोग, एंजॉय। तुमको याद है बाल गणेश में हमारे प्यारे मुशकराज गणेश जी के लिए अपने साथियों के साथ क्या धमाल नाचे थे? वैसे ही कुछ रॉक एंड रोल हो जाए। हो जाए, जाए। प्यारा है यही दोस्त हमारा है, गन्नू सबका प्यारा है यही दोस्त हमारा है, जो भी शुभ कारज होता हमने इसे पुकारा है। रिद्धि सिद्धि संग में आए जिसने भी ये बोलिया, ताली ताली दोनों
the Lord. You come on, everybody with me. Praise the Lord. Come on, everybody with me. सब देवों में सबसे न्यारा दुनिया में मशहूर है. कोई दर्द मुसीबत आए हमसे ना ये दूर है. मशहूर है कोई दर्द मुसीबत आए हमसे ना ये दूर है. गाड़ी बहुत प्यारा है तो अपुन गणेश जी की गाड़ी यानी के उनकी सवारी मूषक राज उनको कैसा मिला वही सुनाता है. सुनो देखते हैं हिमालय की चोटी पे पहले कौन पहुंचता है. तुझे तो मैं हरा के ही कहूंगा. टक्कर क्यों मार रहे हो? टक्कर अरे सबके सब कहाँ रह गए? मूसा रुक जा. टक्कर मार के गिराने की कोशिश कर रहा है. बस वहाँ पहुँचते ही जीत जाऊंगा. मूसा रुक जा. आ गए. मुझे गिराता है. अभी देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे. प्रभु मैं आ रहा हूँ. क्यों मूषक राज, पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही है क्या? जो सबको राक्षस की तरह टक्करे मार रहे हो. याद है वो दिन जब तुमने सब तरफ तबाही मचा दी थी और मुझसे भी लड़े थे? कैसे भूल सकता हूँ.
शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आंखें खोलो गजमुखासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही सुधर गया भोलेनाथ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव या जानवर मुझे हरा न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा गजमुखासुर। लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो फिर से सब देवता कहेंगे कि शिव शंकर जल्द ही प्रसन्न होकर राक्षसों को वरदान दे देते हैं। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करूंगा। मैं आपका दास हूं, हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो गजमुखासुर। भोलेनाथ, आप सचमुच भोले हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी गलत काम भी हो जाते हैं। राक्षस जो ठहरा। भगवान की पूजा कर रहे हो? गजमुखासुर, जाओ राक्षसों, सबको बंदी बना लो। आज से सच मेरी पूजा होगी, किसी को मत छोड़ना। हाँ, ये क्या? देवगण को भी बंदी बना लो, एक भी देव छूटने न पाए। वरदान दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गणेश बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? प्रभु, प्रभु, प्रभु। नंदी, क्या बात है नंदी? भोलेनाथ, भोलेनाथ, देवतागण आपसे मिलने आए हैं, काफी डरे हुए हैं। डरे हुए? प्रणाम भोलेनाथ। दुहाई हो भोलेनाथ, आपके दिए हुए वरदान से गजमुखासुर और भी घमंडी हो गया है। क्या? और वो बिना किसी बात के सब तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पूछिए, पूछिए वरुण देव से। हाँ, अरे वरुण देव कहाँ रह गए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। गजमुख ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरुण देव, ये इन्हें किसने? भूखा। अरे ये पहाड़ टूटने की आवाज कैसी?
ये देवगण साथ में भूकंप लेकर तो नहीं आए हैं? गणेश, ऐसे नहीं कहते बेटा। अब तो विश्वास हो गया आपको, ये सब कर रहा है आपका चहेता गजमुखासुर। प्रभु आप भी ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। इस गजमुख ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग चिंता ना करें, उसे मैं अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। बेटा गणेश। जी पिताजी। उस दुष्ट गजमुख को तुम ही सबक सिखा सकते हो। जाओ जाओ और उसको उसके बुरे कर्मों की सजा दो। जो आज्ञा पिताजी, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं अभी उस पापी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ? मगर प्रभु ये अकेला कैसे? रुकिए गणेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ गणेश, नंदी और गणों को अपने साथ ले जाओ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजमुख बहुत शक्तिशाली हो गया है, उसे हराने में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल। अरे नहीं माँ, उस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही उसे हरा कर आपके हाथों से बने मोदक खाने आ जाऊंगा। वैसे भी लड़ते लड़ते भूख और बढ़ जाएगी। गणेश जी आप जिद मत करिए, अपनी माँ का कहा मान लीजिए, गजमुख बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गणेश जी। सब शांत हो जाइए, मुझे गणेश की बुद्धिमानी और शक्ति पर पूरा विश्वास है, ये अकेला ही उसको हरा सकता है। जाओ बेटा, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अच्छा तो सारे राक्षस यही हैं। पहले इनसे निपटता हूँ। छुप कर बैठा है दुष्ट, तेरे
पर अत्याचार करने के दिन खत्म हो गए हैं। मैं आज तुझे भोलेनाथ के आशीर्वाद का गलत इस्तेमाल करने की सजा देने आया हूँ। मुझे तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान बालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान। मेरे कान। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूंगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया।
आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों? मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूषक राज। प्रभु, दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ। तभी तो मैं सोचूं, इतना सा मूषक गणेश जी का भार कैसे उठा लेता होगा? राक्षस की ताकत जो थी उसमें। सही बोला। और मन गणेश जी के चरणों में। एनीवेज, ये स्टोरी सुनकर मजा तो बहुत आया, क्योंकि हम भी मूषक राज की तरह ही डेयरिंग है। ऐसी कुछ और जोरदार स्टोरीज हो जाएगा? अभी नहीं रे धोती, अभी तो घर जाने का टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, अपन लोग फिर मिलेंगे गणेश जी के और मजेदार स्टोरीज के साथ, क्या? हाँ बिल्कुल। गणपति बप्पा। प्यारा है यही दोस्त हमारा है, गन्नू सबका प्यारा है यही दोस्त हमारा है, जो भी शुभ कारज होता हमने इसे पुकारा है। रिद्धि सिद्धि संग में आए जिसने भी ये बोले मशहूर है, कोई दर्द मुसीबत आए हमसे ना ये दूर है। सब देवों में सबसे न्यारा दुनिया में मशहूर है, कोई दर्द मुसीबत आए हमसे ना ये दूर है। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसि इन्द्रियेण वा बुद्ध्या तन्ना वा प्रकृतिः।
करो नियतं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लवं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे For more movies, subscribe to Movie Mania channel.